ये दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल के पास मौजूद है। ये डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस है कि ये दुश्मन की तरफ से फेंके गए मिसाइल्स को आसमान पे ही तबाह कर सकता है। लेकिन हाल ही में हमास की तरफ से फेंके गए हजारों मिसाइल्स का मुकाबला ये सिस्टम नहीं कर पाया और बुरी तरह से फेल हो गया। लेकिन कैसे? इसे जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है। दरअसल ये सिस्टम तीन पार्ट्स के मिलने से बनता है। पहला है रडार यूनिट सिस्टम, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी से ही मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा है BMC, पूरे सिस्टम का ब्रेन। ये बेसिकली कैलकुलेट करता है कि सामने से आ रही मिसाइल है या ड्रोन है। साथ में ये भी कैलकुलेट करता है कि मिसाइल पॉपुलेशन वाले एरिया पे गिरने वाला है या नहीं। तीसरा है मिसाइल फायरिंग, ये बेसिकली BMC से कनेक्ट रहता है और दुश्मन मिसाइल्स को ट्रैक करके उसे आसमान पे ही तबाह कर देता है। लेकिन हाल ही में ये सिस्टम इतनी बुरी तरह से इसलिए फेल रहा क्योंकि हमास ने 5,000 मिसाइल्स को सिर्फ 20 मिनट के अंदर इनकी तरफ फेंका। एनीवेज फलस्तीन के साथ जो भी खड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।